हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रमेश गुप्ता फ्रॉम बीटी पब्लिक स्कूल सहारनपुर। इट इज क्लास ए, सब्जेक्ट इज साइंस, चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? मैटेरियल्स ऑक्यूपाइंग इन नेचर विच आर यूज बाई ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड वेलफेयर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीजें मानव जाति के द्वारा अपने जीतने के लिए या अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट एंड सॉयल। जैसे कि हवा, पानी, धूप, वन, मिट्टी, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। लाइक दीज फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी जो हमारे ईंधन हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड आल्सो मेटल्स जो धातुएं होती हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अकॉर्डिंग टू योर यूज, देयर यूज, उनके प्रयोग के और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग दे कैन बी नॉन है टू टाइप्स। उन्हें दो तरह की रिसोर्सेज में जाना जाता है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो पुनः प्राप्त हो सकती हैं, जिन्हें बार बार यूज कर सकते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट। हवा है, हवा को हम बार बार यूज कर सकते हैं। वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, रेन से वाटर मिलता है। इट इज कलेक्टेड इन डैम्स, डैम में यूज कर इसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर इसे इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ यूज होता है बाकी रिवर से, सी ओशन में, समुद्र में चला जाता है, फिर बारिश के द्वारा हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। सो दिस इज नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड सच एज सनलाइट, सूरज की धूप लगातार मिलती ही है, सूरज की धूप तो मिलेगी ही, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए रिन्यूएबल। एंड सेकेंडली नॉन रिन्यूएबल, जो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। सच एज वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, जो प्रजाति जानवरों की मर गई है, खत्म हो गई है, तो उसे दोबारा हम नहीं दे सकते। जैसे डायनासोर, मैमथ, बड़े हाथी, जो विशाल गाय मिलते थे पहले, 10 फुट से भी, 20 फुट से भी अधिक ऊंचे होते थे, वे बड़े बड़े दांत होते थे उनके, पुराने आदिम युग में मिलते थे। और बहुत से पक्षी विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं। अदर थिंग्स आर कोल, कोयला, कोयला भी जमीन के अंदर मिलता है, लिमिटेड मात्रा में है ये, इसे एक टाइम तक ही यूज कर सकते हैं, इसे दोबारा हम अपने किसी केमिकली या फैक्ट्री प्रोडक्शन से नहीं बना सकते। इसी तरह पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी जमीन से निकलता है, इसे भी हम दोबारा नहीं बना सकते। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, मेटल वगैरह जो है ये, वे भी जमीन से निकलते हैं, इन्हें भी हम दोबारा नहीं बना सकते। फॉरेस्ट, जंगल, जंगल देखिए पहले बहुत जंगल हुआ करते थे, अब खेतों के लिए, मकानों के लिए जो जंगल कट गए उन्हें दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। हम खाली जगह में ही जंगल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वी विल रीड अबाउट कोल, कोयले के बारे में हम पढ़ेंगे।
प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द डेड प्लांट्स, जो पुराने पेड़ पौधे जंगल नष्ट हो गए, जमीन के अंदर दब गए, उनके ऊपर मिट्टी जम गई और समय के अनुसार उन पर दबाव पड़ा, गर्मी का असर हुआ, तो वे कन्वर्ट होके कोयले में बदल गए, इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इट हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मेनी इयर्स, इसे घरों में बहुत समय से इस्तेमाल किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन, पहले इसे रेल इंजन में भाप बनाने के लिए यूज किया जाता था, भाप के इंजन चलते थे जिनसे गाड़ियां चलती थी। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल, इसे दूसरे ईंधन बनाए जा सकते हैं, कोल टार, सिंथेटिक पेट्रोल एक्स्ट्रा, ये चीजें भी बन सकती हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ग्लव्स, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्स्ट्रा। इससे वो चीजें रंगने के रंग, दवाइयां, कृत्रिम रेशे और बहुत से अन्य चीजें भी बनती हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, वाटर गैस के लिए भी बनाने में यूज होता है, उससे भी हम अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन होम एज ए होम फ्यूल एंड इन इंडस्ट्रीज, इसे घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अबाउट 50% ऑफ कोल इन इंडिया इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भारत में जो 50% जितना कोयला निकलता है उसका आधा बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। इसे अर्थ की सरफेस के अंदर से माइंस खान में से निकाला जाता है। हमारे देश में मुख्य रूप से ये झरिया बिहार के दक्षिण में और पश्चिम बंगाल में मिलता है। कोयला बना कैसे, अभी बताया, जैसे आपको पुराने समय में जंगल वन समुद्र में ये डिस्ट्रॉय हो गए अर्थक्वेक वगैरह से और वे जमीन में के अंदर दब गए और उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती चली गई और समय के अनुसार वे कोयले में परिवर्तित हो गए। पहले थोड़ा हल्के किस्म का कोयला लिग्नाइट बनता है, उसके बाद बिटुमिनस और सब बिटुमिनस अच्छे किस्म का कोयला बन जाता है, लेकिन उसे बनने में हजारों लाखों साल लगे हैं। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, द मेन वेरियस प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कोल आर कोल टार, इससे जो बनने वाले चीजें हैं वो उनमें सबसे प्रमुख है कोल टार। कोल टार इज ए ब्लैक लिक्विड विच हैज ए अनप्लीजेंट स्मेल, टार कोल या कोल टार एक काला लिक्विड होता है चिपचिपा, जिसमें कि बदबू सी आती है, जिससे सड़कें भी बनाई जाती हैं, आपने सड़कें बनाते हुए देखा होगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड विच आर यूज्ड विच आर ऑल्सो सेपरेटेड एंड यूज्ड, ये करीब 200 चीजें इसमें मिली होती हैं, कंपाउंड मिले होते हैं जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है।
इसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, डाई रन बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वार्निश, वार्निश बनाने के लिए, रोड को प्लेन करने के लिए, सड़क बनाने के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए छतों पर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कोक। व्हेन कोल इज लाइटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोयले को एयर की एब्सेंस में जलाया जाता है, वी गेट कोक। इट इज ए टफ पोरस ग्रीस ग्रेइश ब्लैक रेसिड्यू लेफ्ट जो जलने के बाद छिद्रदार काला स्लेटी से रंग का मिल जाता है। ये कोयला हमें जलाने के बाद कम मात्रा की हवा में इसे भी, ये क्योंकि स्मोकलेस होता है, इसमें कम धुआं देता है, इसलिए इसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है घरों में यूज करने में या कहीं दुकानों छोटी जगह में यूज करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं के शोधन में भी इसे यूज किया जाता है जिससे कि प्योर मेटल मिल सके, एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन कोक, जब कोयले से कोक बनाते हैं तो कोल गैस हमें मिलती है। इट इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल, इसे भी ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम, इट विल बी डिस्कस्ड नेक्स्ट टाइम, सो केयरफुली रीड योर चैप्टर, ध्यान से अपना चैप्टर पढ़ें, अपना वर्क हर सब्जेक्ट का पूरा करते रहें और अपना काम चेक कराने के लिए स्कूल में नोटबुक जरूर भिजवाएं, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट भी होने हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी अपना वर्क चेक कराइए। ओके, थैंक यू।